नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोक आस्था महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन। ग्रामीणों को इलाज हेतु नहीं करने होंगे भागदौड़। सरकार ने राज्यों के मनरेगा मजदूरों के लिए बढ़ाई मजदूरी दर। भारत को मिली नई सफलता, इसरो ने एक साथ लॉन्च किए 36 सैटेलाइट। ऐसे हुई सीएसके और जडेजा के रिश्तों से खटास दूर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआरपीएफ ने 9712 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। सीआरपीएफ ने ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मोची कॉर्पोरेटर, ट्रेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बेगुलर, माली, पेंटर, कुक, वेटर, कैरियर और धोबी के कुल मिलाकर 9712 पदों के लिए भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 अप्रैल 2023 तक सीआरपीएफ के आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर भर्ती सेक्शन में एक्टिव किए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा यानी कि 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए और रिक्तियों से संबंधित ट्रेड में ITI या संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है। लोक आस्था महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन। लोक आस्था महापर्व चैती छठ की शुरुआत 25 मार्च 2023 को नहाए खाए से शुरू हो चुकी है। वहीं बीते दिन जहां लोगों ने गुड़ की खीर और रोटी बनाकर खरना मनाया और फिर 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने के बाद आज यानी कि 27 मार्च को अस्ताचल गामी सूर्य को छठ व्रती अर्घ्य अर्पित करेंगे और इसके बाद कल यानी कि 28 मार्च को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित कर महापर्व का समापन करेंगे। बता दें कि मान्यताओं के अनुसार अगर सूर्य देव को अर्घ्य शुभ मुहूर्त में प्रदान किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे यमुना करजी के बारे में। यमुना करजी एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारत के एक देशभक्त थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। करजी स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बहुत प्रेरित थे जिन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की। वह एक कट्टर देशभक्त जिन्होंने विभिन्न भारतीय स्वतंत्रता गतिविधियों में भाग लिया। वह एक लोकप्रिय हिंदी पत्रकार भी थे। वे भारत मित्र के संपादकीय विभाग में शामिल हुए। भारत करजी ने 1937 में हुए बिहार और उड़ीसा विधानसभा के पहले चुनाव में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में से एक के रूप में चुनाव जीता। विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी। बक्सर ताप बिजली घर से मार्च 2024 से रोशन होगा बिहार। मार्च 2024 से बिहार रोशन होने वाला है। दरअसल 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,058 हेक्टेयर भूमि पर चौसा में निर्माणाधीन बक्सर ताप बिजली घर से ऊर्जा के उत्पादन की शुरुआत वर्ष 2024 के मार्च महीने से कर दी जाएगी। बता दें कि ताप बिजली घर से कुल मिलाकर 1,320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और समय के साथ इसकी क्षमता को बढ़ाकर 2,000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किए जाने की तैयारी है। मालूम हो कि यहां हर रोज 14 करोड़ रुपए की कीमत की बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा जिसमें से 85% बिजली राज्य सरकार को दी जाएगी तो वहीं बाकी बचे 15% बिजली पर निर्माता कंपनी का हक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताप बिजली घर के निर्माण होने से न केवल बिहार बिजली में आत्मनिर्भरता हासिल करेगा बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। ग्रामीणों को इलाज हेतु नहीं करने होंगे भागदौड़। हर छोटी मोटी बीमारियों के लिए गांव के मरीजों को इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है लेकिन अब इस भाग दौड़ से ग्रामीणों को छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 2076 स्वास्थ्य उपकेंद्र वर्ष 2023-24 में निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में पहले 8,705 स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित किया गया था तो ये स्वास्थ्य उपकेंद्र उनसे अतिरिक्त होंगे। बता दें कि इस प्रस्ताव की मांग सभी विधान परिषद सदस्य और विधायकों द्वारा की गई है। इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण से सामान्य प्रकार की बीमारियों का इलाज आसानी से हो पाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 7 और हर विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। बताते चले कि मरीजों के इलाज की सुविधा यहां टेलीमेडिसिन के माध्यम से मिलेगी। भागलपुर हवाई अड्डे की मांग को मिला संजय मिश्रा का साथ। पिछले कुछ दिनों से भागलपुर हवाई अड्डे की मांग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें कि अब भागलपुर में हवाई अड्डे की मांग को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता व वरिष्ठ रंगकर्मी संजय मिश्रा का भी साथ मिल गया है। दरअसल उन्होंने एक अखबार से खास बातचीत करते हुए कहा कि भागलपुर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए हवाई सेवा अधिक जरूरी है।
उन्होंने कहा कि न सिर्फ भागलपुर बल्कि अन्य शहरों में भी हवाई सेवा की बहुत जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि भागलपुर के कई लोगों को हवाई सेवा के अभाव में, खासकर बीमारी की हालत में, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 मार्च को संजय मिश्रा की फिल्म भोला और इसके बाद कोर्ट आने वाली है। सरकार ने राज्यों के मनरेगा मजदूरों के लिए बढ़ाई मजदूरी दर। केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न राज्यों के लिए मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6(1) के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। बता दें केंद्र सरकार के द्वारा किए गए इस ऐलान के अनुसार मजदूरों के वेतन में 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। इसके तहत अगर बिहार की बात करें तो बिहार के मजदूरों के वेतन में पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि हुई है, यानी कि अब राज्य में मजदूरों की दैनिक मजदूरी 210 रुपए से बढ़कर 228 रुपए हो गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर सीएम नीतीश ने की घोषणा। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राम लखन सिंह यादव स्मृति समारोह के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। उन्होंने बताया कि किस तरह शिक्षा से बिहार में प्रजनन दर में कमी आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहले बिहार में प्रजनन दर 4.3% था, जो अब घटकर 2.9% हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष यानी कि 2024 से राम लखन सिंह यादव की जयंती पर स्मृति समारोह का आयोजन सरकारी तौर पर किया जाएगा। बिहार में फिर बदलने जा रहा है मौसम का मिजाज। बिहार में तपती गर्मी का असर नजर आने लगा है। जैसे जैसे अप्रैल का महीना नजदीक आ रहा है, पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। सूबे के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि सोमवार से बुधवार के दौरान स्थिति में कुछ बदलाव के आसार है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण के हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबूंदी हो सकती है। ऐसे में तापमान कुछ गिर सकता है। राजधानी पटना हो या नवादा या फिर बेगूसराय, ज्यादातर जिलों में पारा ऊपर जाता दिख रहा। हालांकि पूर्णिया, कटिहार समेत कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। इस दिन गया एयरपोर्ट से हज के लिए उड़ान भरेंगे हज यात्री। 5,633 लोगों द्वारा राज्य भर से हज 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया है। बता दें कि आवेदन करने वालों में से सबसे अधिक संख्या पटना से है। दरअसल कुल 658 लोगों ने पटना से हज 2023 के लिए आवेदन किया है। 21 मई को हज करने वाले जायरीनों का काफिला रवाना होना है। वहीं 22 जून को अंतिम काफिला रवाना होगा। अब्दुल हक, जो कि बिहार के राज्य हज समिति के अध्यक्ष है, उनके द्वारा इस बात की जानकारी मिली है कि इस बार गया एम्बार्केशन पॉइंट को भी रिस्टोर कर दिया गया है। ऐसे में गया के एयरपोर्ट से भी राज्य के हज यात्री हज के लिए यात्रा कर पाएंगे। अब टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा अपना समय। सरकार ला रही ये नई तकनीक। जब भी हम हाईवे से कहीं सफर पर निकलते हैं तो अक्सर हमारा सामना टोल प्लाजा पर होता है, जहां हमें रुकना पड़ता है। यहां रुकने के कारण हमारा काफी समय बर्बाद होता है, खासकर तब जब हम जल्दी में हो। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे टोल प्लाजा पर हमारा अधिक समय न लगे। इसके लिए सरकार द्वारा टोल बूथों को देश में राजमार्ग से हटाने के लिए कवायद चल रही है, जिसके लिए सरकार GPS आधारित टोल प्रणाली और अन्य टेक्निक को सरकार पेश करेगी। बता दें कि इस बारे में स्वयं नितिन गडकरी द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। संस्कृत विवि सीनेट की अध्यक्षता करने स्वयं पहुंचे राज्यपाल ने बनाया रिकॉर्ड। रविवार को दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट में भाग लेने के लिए बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति पहुंचे। हर स्तर पर संस्कृत विवि में उनके आगमन को लेकर तैयारी की गई थी। जिला पुलिस द्वारा राज्यपाल के प्रवेश पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुलपति सचिवालय पहुंचने से पहले उन्होंने महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह के परिसर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण भी की। राज्यपाल द्वारा सीनेट की अध्यक्षता भी की गई। बताते चले कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संस्कृत विवि सीनेट में कोई कुलाधिपति स्वयं सीनेट की अध्यक्षता करने पहुंचे हो। जब राज्यपाल स्वयं सीनेट की अध्यक्षता करने पहुंचे तो प्रशासन के साथ साथ सीनेट के सदस्यों के बीच भी काफी उत्साह का माहौल था। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिए किसान ऐसे करे अप्लाई। बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि मौसम की वजह से किसानों की फसल खराब हो जाती है और उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ता है। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से किसानों को सिंचित फसल क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए
असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 और कृषि योग्य फसल क्षेत्र के लिए 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। वैसे किसान जो सरकार की इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास कम से कम 2 हेक्टेयर खुद की जमीन होनी चाहिए और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। मालूम हो कि आवेदन करने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल है। इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर कृषि इनपुट अनुदान के विकल्प पर मांगी जानकारी भरकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पोर्टल का लिंक तभी खुला होगा जब किसी सीजन में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान हुआ हो। राज्य के 8 जिलों में कोर्ट भवन आवास और 9 जिलों में बनेंगे लॉयर्स हॉल। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के चुनिंदा 8 जिलों में कोर्ट भवन आवास और 9 जिलों में लॉयर्स हॉल का निर्माण किया जाना है। बता दें कि राज्य के जिन 8 चुनिंदा जिलों में कोर्ट भवन और आवास भवन का निर्माण कराया जाएगा, उनमें अरवल में 19 कोर्ट भवन, आरा में 9, भभुआ में 20, दरभंगा में 8, बेनीपुर अनुमंडलीय कोर्ट भवन में 10, सुपौल में 4, बीरपुर में 10, मधुबनी में 10, झंझारपुर में 12, मधेपुरा में 10, उदाकिष्णुगंज में 10, सासाराम में 6, बक्सर में 10, औरंगाबाद में 10, नालंदा में 8, गया में 80 एवं समस्तीपुर में 12 आवासीय भवन बनाने की योजना है। इसके अलावा राज्य के जिन 12 जगहों पर वकीलों के लिए लॉयर्स हॉल का निर्माण करवाया जाएगा, उनमें पूर्णिया, भभुआ, मोतिहारी, अररिया, समस्तीपुर, रोसड़ा, मधुबनी, झंझारपुर, बगहा, नालंदा और बिहार शरीफ शामिल है। पप्पू यादव, अदानी को बचाने हेतु मोदी सरकार ने रद्द करवाई राहुल की सदस्यता। कांग्रेस के राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर बीजेपी पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव द्वारा जमकर हमला बोला गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गांधी से डरने की बात कही है, साथ ही यह भी कहा है कि इन्हीं वजहों से साजिशों के तहत उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। पप्पू यादव द्वारा भी यह भी कहा गया है कि उन्हीं के एक विधायक पर ऐसा ही मामला आया था, लेकिन आज तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि आप खुद समझ लीजिए कि राहुल गांधी को समय क्यों नहीं दिया गया। विपक्ष को कमजोर करने के लिए यह एक सोची समझी साजिश है। देश की जनता भी जान रही है कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ साजिश की गई है। एक पूंजीपति अदानी को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करवाई गई, जो कि सर्वविदित है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जैन मंदिर के बारे में। यह स्थान शांति और अहिंसा के विश्व उद्देशक भगवान महावीर के जन्मस्थली के रूप में विश्व विख्यात है। नालंदा के खंडर से महज 1.6 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह कुंडलपुर कहा जाता है। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि यहाँ 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इस गांव में कई जैन मंदिर है। वर्तमान मंदिर की संरचना काफी भव्य एवं अलौकिक है। मंदिर का शिखर 51 फीट ऊंचा है एवं उस पर स्वर्ण ध्वज स्थापित है। यह स्थान जैन धर्मावलंबियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मंदिर के पास के 2 झील जो कि दीर्घ पुष्करणी और पांडव पुष्करणी के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ की खूबसूरती को और भी प्रज्वलित करते हैं। इस मंदिर परिसर के अलग इमारत में जैन धर्म के 72 तीर्थकरों की छवियों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। सीएम नीतीश ने खुले मंच से रामकृपाल यादव को लेकर दिया बयान। बीते दिन रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित राम लखन सिंह यादव स्मृति समारोह का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में मौजूद सांसद रामकृपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि रामकृपाल यादव कभी आरजेडी में थे और आज वह बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के साथ ही आज वह यह भी भूल गए हैं कि हमने और राम लखन बाबू ने क्या क्या किया है। इसके साथ ही उन्होंने राम लखन सिंह यादव को याद करते हुए कहा, इन्होंने अपने समाज की बड़ी आबादी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और साथ ही कई कॉलेजों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने कहा कि राम लखन सिंह यादव ने जो कुछ भी किया वह नई पीढ़ी के लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आज बिहार में लड़का लड़की एक बराबर है, क्योंकि हमने बच्चियों के लिए इतना काम किया है। राहुल गांधी संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में हुआ संकल्प सत्याग्रह। रविवार के दिन बिहार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में संकल्प सत्याग्रह किया गया। अखिलेश सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने तानाशाह भी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी द्वारा मोदी और अदानी के गठजोड़ को कटघरे में खड़ा किया गया तो गुजरात की अदालत द्वारा राहुल गांधी को सजा सुना दी गई।
गिरिराज सिंह, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर नीतीश है खुश, जानिए क्यों। राहुल गांधी मामले को लेकर इन दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार हमला बढ़े। पटना में उनके द्वारा रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। राहुल गांधी पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि नाखून कटवाकर शहीद होना ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अहंकार में आकर राहुल गांधी कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले भी 32 लोगों की सदस्यता इस मामले को लेकर जा चुकी है। साथ ही साथ अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर खुश है, क्योंकि राहुल गांधी के जाने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए अब उन्हें मौका मिल गया है। भारत को मिली नई सफलता, इसरो ने एक साथ लॉन्च किए 36 सैटेलाइट। रविवार के दिन अपने नवीनतम मिशन LVM-3M-31 वेव इंडिया 22U अर्थ ऑर्बिट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा में LVM-3 को प्रक्षेपित किया गया। आपको बता दें कि LVM-3 की लंबाई 43.5 मीटर लंबी है, वहीं इसका वजन 643 टन तक है। इस बात की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार वन वेव के 36 जेट वन उपग्रहों की अंतिम किस्त को ले जाने के लिए दूसरे लॉन्च पैड रॉकेट पोर्ट से प्रक्षेपित किया गया है। ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा इसरो के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए समझौता किया गया था। बता दें कि भारत अपनी एक नई सफलता के साथ इसरो द्वारा 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ऐसे हुई CSK और जडेजा के रिश्तों से खटास दूर। 31 मार्च से IPL 2023 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दी कि IPL 2022 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चुना गया था, लेकिन इस दौरान उनका प्रदर्शन खराब रहा, जिस वजह से एक बार फिर से CSK की कमान महेंद्र सिंह धोनी को दे दी गई थी। इसके बाद ऐसी खबर सामने आने लगी थी कि महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा और CSK के रिश्तों के बीच में कुछ अनबन आ गई है, लेकिन अब रिश्ते में आई खटास को महेंद्र सिंह धोनी ने दूर कर दिया है। दरअसल IPL 2023 से पहले खुलासा हुआ था कि धोनी ने जडेजा के साथ लंबी बातचीत कर उन्हें समझाया कि उनका फ्रेंचाइजी के साथ बने रहने में कामयाबी है। उसके बाद जडेजा ने CSK के CEO काशी विश्वनाथ से बातचीत कर सभी गलतफहमी दूर कर ली। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सन 1961 में आज के दिन से पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई। एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान लीला दुबे का जन्म 1923 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ बनवारी लाल जोशी का जन्म 1936 में हुआ। भारत में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान का 1898 में पुण्यतिथि। गदर पार्टी के प्रमुख नेता पंडित कांसी राम का 1915 में निधन हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री प्रिया राजवंश का 2000 में निधन हुआ। 2010 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में परमाणु प्रौद्योगिकी से लैस प्रक्षेपास्त्र धनुष और पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। आज के दिन को ही विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि MSME मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर जारी एक फर्जी संपार्श्विक पत्र में पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 24,000 रुपए के भुगतान पर 8,00,000 रुपए का ऋण देने का दावा किया जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि MIN MSME ने यह पत्र जारी नहीं किया है। प्रमाणित जानकारी के लिए msme.gov.in पर जाएं। व्हाट्सएप का नया अपडेट एडमिन को देगा और अधिक नियंत्रण। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप पर ग्रुप्स के लिए 2 नए अपडेट की घोषणा की है, जिसमें एडमिन्स के लिए नए कंट्रोल और आसानी से ग्रुप्स को सामान्य रूप से देखना शामिल है। कंपनी ने कहा कि एक ऐसा टूल बनाया गया है जो एडमिन्स को यह तय करने की क्षमता देता है कि कौन ग्रुप में शामिल हो सकता है, जिससे एडमिन्स को उनके ग्रुप प्राइवेसी पर अधिक नियंत्रण मिलता है। जब कोई एडमिन अपने ग्रुप के इनवाइट लिंक को शेयर करने या अपने ग्रुप को कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए चुनता है, तो उनका अब इस पर ज्यादा कंट्रोल होता है कि कौन इसमें शामिल हो सकता है। कम्युनिटीज और उनके बड़े ग्रुप्स के विकास के साथ तकनीकी दिग्गज ने कहा है कि यह जानना आसान बनाना चाहते हैं कि आपके और किसी के साथ कौन से ग्रुप समान हैं। निखत जरीन लगातार दूसरी बार बनी वर्ल्ड चैंपियन। बीते दिन रविवार को नई दिल्ली स्थित KD जाधव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए महिला विश्व कप के फाइनल मैच में भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने लाइट फ्लाइट वेट के 48 से 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हुए 2 बार की एशियाई चैंपियन वियतनाम की गुएन
थी टैंक को 5-0 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का ताज हासिल कर अपने नाम गोल्ड मेडल कर लिया है। बता दें कि इससे पहले निखत जरीन ने वर्ष 2022 में इस्तांबुल में आयोजित हुई महिला विश्व कप चैंपियनशिप के फ्लाई वेट के 52 किलोग्राम कैटेगरी में एक तरफा फाइनल मैच में थाईलैंड की जिटपोंग जूटामस को 5-0 से हराकर विश्व कप चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। मालूम हो कि निखत जरीन ने केवल 13 वर्ष की उम्र से ही मुक्केबाजी की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और आज वह एक वर्ल्ड चैंपियन है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सुमन सौरभ, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, पीके पासवान, बिट्टू कुमार राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, पवन सिंह, मोटू रंगीला, रविशंकर, सदुल्लाह पलवी, जगन्नाथ प्रसाद, उदय कुमार पासवान, अर्चना भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका बिहार का पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।